नमस्कार दोस्तों, आज मैं डॉक्टर विनोद दिल्ली से बात कर रहा हूं, इंडिया से, और आज हम बात करेंगे मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट एचआईवी। दोस्तों, एचआईवी में क्या आपने ध्यान रखना है, आपने कैसे एचआईवी सिम्टम से बचना है। दोस्तों, आपने यह ध्यान रखना है कि जब आप सेक्स किसी के साथ करते हो, जब भी आप किसी अनजान आदमी के साथ सेक्स करते हो, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, आपको बस ये ध्यान देना है कि अगर बाय चांस आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स अनप्रोटेक्टेड किया, अनजाने में आपने अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया और उसमें आपको अगले दिन गले में खराश होने लगी, आपको गला खराब होने लग गया, जुकाम जैसे सिम्टम्स आने लग गए, फ्लू लाइक सिम्टम्स, जुकाम हो गया, आपको आंखों में जलन हो रही है, सर में दर्द हो रहा है, बॉडी में दर्द होने लग गया, फीवर आने लग गया, या आपको एक दो दिन के बाद लूज मोशंस होने लगे, तो दोस्तों ध्यान रखें, ये एचआईवी के सिम्टम्स हो सकते हैं। आप किस किस पेशेंट को एचआईवी हो सकती है? कोई भी बंदा या लड़की जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स करे, कभी कभार हो जाता, खेलते खेलते आपको लगता है कि आपको लड़की पसंद आ गई, आप डेटिंग पे चले गए, वहां पर आपके पास कॉन्डम था नहीं और आपने गलती से सेक्स कर दिया। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, कह रहे हैं साहब हमने तो बस सेक्स किया नहीं, हमने तो बस ऊपर से ही रब किया। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी बात मैं करने जा रहा हूं आपके सामने। देखिए, हाउ एचआईवी कैन बी ट्रांसमिटेड। देखिए, ये मेरे हाथ में एक पेन है, आप देख रहे हैं मेरे हाथ को, ये मेरे हाथ में एक पेन है और ये मेरा हाथ है। देखिए एचआईवी कैसे होता है, देखिए मैंने उठाया, टच किया और वापस लाया। अब देखिए टच से, ये देखिए आप, यहां पर एक दाग लग गया, देखिए आपको ये दिख रहा होगा, देखिए देखिए ये दाग है, देखिए ये इंक यहां पर लग गई, देखिए आप देखिए, ये देखिए इंक आपको यहां पर लग गई, तो इसका मतलब है कि अगर खाली मात्र टच करने से अगर यहां पर इंक लगते हैं, तो सेम कैन हैपन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स इफ ए पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एचआईवी। ऐसे ही एचआईवी टच करने के साथ अगर आपके खाली एक थोड़ा सा भी टच हो गया तो आपको एचआईवी हो सकती है। तो मेरे पास बहुत सारे पेशेंट कहते हैं साहब हमने तो सेक्स किया लेकिन हमने इजेकुलेट नहीं किया। गलत। मेरे को बहुत सारे पेशेंट कहते हैं साहब हमने तो बूब सकिंग की तो उसमें क्या एचआईवी हो सकता है? भाई साहब हो सकता है, अगर जिस औरत के साथ आपने सेक्स किया अगर वो लैक्टेटिंग है, अगर वो दूध दे रही है और उसका वायर लोड बहुत ज्यादा है, तो डेफिनेटली आपको एचआईवी होने के चांसेस है। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट कहते हैं सर ऑरल सेक्स करने से एचआईवी बहुत कम फैलती है। गलत। आप किसी लड़की को पहले मुंह में देखते हैं क्या कि उसको छाले पड़े हैं या उसको कोई जख्म है? आपको नहीं पता। दोस्तों ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप देखिए ये जो यंग जनरेशन है आपको बहुत जरूरी देख रहा है। जब भी आप ऑरल सेक्स करते हैं आप क्या टॉर्च लेके मुंह में देखते हो कि एक लड़की को अंदर छाले हैं कि नहीं? ये लड़कों के साथ भी हो सकता है। बहुत सारे होमोसेक्सुअल्स आजकल क्या करते हैं, तो मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं, वो भी तो सेक्स करते हैं, ऑरल सेक्स करते हैं, एनल सेक्स करते हैं। आपको मैं एक चीज बता दूं, अगर आप होमोसेक्सुअल है तो आपके लिए सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि होमोसेक्सुअल जो में जो ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी है वो 17 टाइम्स मोर है, 17 गुना ज्यादा है। अगर एक लड़का लड़की सेक्स करता है, अगर 100 लड़का और 100 लड़कियां सेक्स करते हैं, उसमें से 5 से 10 लड़कियां लड़कियों को सेक्स एचआईवी हो सकती है अगर वो एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट्स के साथ सेक्स करते हैं। लेकिन अगर वो होमोसेक्सुअल्स के साथ सेक्स करते हैं तो वो 17 टाइम्स मोर होगा।
there is a prevalence of 17 times, more than 17 times HIV in homosexuals. So, दोस्तों ध्यान रखें, अगर आपको HIV से बचना है तो कॉन्डम का जरूर यूज करें. कॉन्डम पहनने का तरीका मैं आपको आज समझाता हूं. ये आपका पेनिस है, ऊपर से आपने कॉन्डम लगाया, आपने सेक्स किया, लेकिन सेक्स करते बाद आप जब जू ही देखे ये इंटरकोर्स खत्म हुआ, फिर आप क्या करते हैं, आप अपनी उंगली उठाते हैं, कॉन्डम को ऐसे पकड़ते हैं और उसको उतारते हैं, फेंकते हैं, फिर इसी हाथ से पेनिस को जर्क करते हैं. भाई दिस अमाउंट्स टू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. आपने ये क्या कर दिया, आपने डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर दिया. आपने कॉन्डम तो पहना, कॉन्डम पहनने के बाद सेक्स किया, टोटल प्रोटेक्शन थी, लेकिन आपने क्या किया भाई साहब, आपने कॉन्डम उतारा लेकिन कंटेमिनेशन हुआ आपने उंगलियों को. उतारते वक्त आपने उसको कॉन्डम को नीचे फेंका और फिर उसके बाद आपने उस हाथ से जर्क किया, क्योंकि ये आपकी उंगलियां कंटेमिनेटेड है, आपने पेनिस को जर्क किया. इट इज कंटेमिनेशन ब्रदर, ध्यान रखें. आगे से अगर आप सेक्स करते हैं तो इस चीज का ध्यान रखना है कि पहले कॉन्डम उतारना है, पेनिस को हाथ नहीं लगाना है, हाथ धोने हैं, यू हैव टू वॉश हैंड्स. आपको बहुत बार हाथ धोने पड़ने चाहिए, एक नहीं दो नहीं तीन बार, फिर उसके बाद आप पेनिस को हाथ लगा सकते. ऐसा कोई नहीं करता, आपको मैं बताऊं कोई नहीं करता. या आपको मैं बताता हूं, आप सेक्स कर रहे हैं, अगर लड़की आपकी नीचे है तो बढ़िया ठीक है, तो आपको वेजिनल फ्लूइड्स रिलीज नहीं होंगे. और ये कोई जरूरी नहीं है, आपने जो कॉन्डम पहना आपने साइज देखा था आपके पेनिस का और कॉन्डम का, कभी नहीं देखा होगा, कोई बंदा नहीं देखता. कॉन्डम्स के भी अलग अलग साइज होते हैं, अगर आपने ओवर साइज कॉन्डम पहना और लूज होगा, अब मान के चलिए लड़की पहले नीचे थी फिर ऊपर आई, दिस इज वजैना, दिस इज एनस, एंड यू आर हैविंग सेक्स लाइक दिस, कॉन्डम यहां पर है, कॉन्डम के ऊपर से वेजिनल फ्लूइड चला गया. और फिर जब आपने कॉन्डम को निकाला, आपने सेक्स खत्म किया, फिर पेनिस नीचे आया, नीचे से वेजिनल फ्लूइड अंदर जा सकता है, क्योंकि जो कॉन्डम था वो ओवर साइज था, वो तो नॉर्मल साइज था नहीं, वो टाइट था नहीं. वॉट इट अकाउंट्स टू, इट अकाउंट्स टू दोस्तों डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. ऐसे ऐसी छोटी छोटी गलतियां जब आप करते हैं तो आपको एचआईवी होती है, आपको एसटीडीज होती है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस होती हैं, आपको गुनेरिया हो सकता है, सिफिलिस हो सकता है, क्लेमिडोस हो सकता है, हर्पिस हो सकती है, जो एचआईवी के बराबर ही खतरनाक बीमारी. तो दोस्तों क्या करें, यू हैव टू डू प्रोटेक्टेड सेक्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन खाली नहीं है कि आपने कॉन्डम लगाया, इसके तरीके हैं, यू हैव टू बी वेरी कॉशियस. जब आप कॉशियस रहेंगे तो आपको एचआईवी नहीं होगी. दोस्तों आगे से हम ध्यान रखेंगे, जब भी हम कॉन्डम लगाएंगे उसको तरीके से देखेंगे. दूसरा, बहुत बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, साहब मैंने तो फिंगरिंग की, क्या मेरे को एचआईवी हो सकती है? अब देखिए, जो ये फिंगर है, ये देखिए फिंगर के नीचे नेल्स दिख रहे हैं, नेल्स के नीचे जो स्किन है ये बिल्कुल बहुत सिंपल सेंसिटिव स्किन है. अगर आप अंदर उंगली डालते हैं वजैना में या एनस में तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है. डज इट अमाउंट दैट यू हैड डन अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट? यस, इसका भी ध्यान रखें. तो अगर हम इन चीजों को ध्यान रखेंगे तो हमको 100% एचआईवी नहीं होगी. दोस्तों सिम्टम्स को जरूर देखना है, गले में दर्द, आपको एचआईवी में आगे जाके यहां पर जो लिम्फ नोड से बढ़ते हैं, आपका गला खराब हो सकता है, आपको लूज मोशन हो सकती है, सबसे इंपॉर्टेंट वेट लॉस हो सकता है, भूख कम लगनी स्टार्ट हो जाती है, अगर आपको फिटीग है, दर्द हो रहा है बॉडी में अननेसेसरी,
तो दोस्तों अपना एचआईवी टेस्ट जरूर कराएं। और मल्टीपल पार्टनर्स रखने की जरूरत क्या है भाई? वेनरसली हैव यू आर हैविंग मल्टीपल पार्टनर्स, खत्म करो उनको। हैव सेक्स विद वन सिंगल पार्टनर, मल्टीपल पार्टनर्स को रखना बंद करो। जितना आप ये करोगे उतना आप अपने आप को ठीक रख सकते हो, क्योंकि आज के डेट में बहुत ज्यादा बीमारियां फैली हुई हैं, स्पेशली एचआईवी, क्लैमिडिया, गुनेरिया, सिफिलिस, हर्पिस। दोस्तों ये ऐसी बीमारियां हैं जो आपको दिक्कत कर सकती है। अगर आपको कोई भी सवाल मेरे से पूछना है आप मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट है www.mbbsmd.com, बड़ी सरल सी वेबसाइट। हर एक डॉक्टर जो पढ़ा लिखा होता है वो एमबीबीएस एमडी होता है, उसके सामने अपने बेस्ट लगाना। www.bestmbbsmd.com, बड़ी सिंपल सी वेबसाइट, आपको बहुत आसानी से याद रहेगी। आपने कुछ नहीं करना, टाइप आपने करना www, ये तो हर बार करते हो, फिर डॉट डालते हो, फिर बेस्ट डालना है, और एमबीबीएस एमडी तो आपको याद ही है, .com, बड़ी सिंपल सी वेबसाइट। दोस्तों आप अगर मेरे को हिंदी वेबसाइट देखना चाहते हैं जिनको अंग्रेजी में दिक्कत है, वो मेरी वेबसाइट पे क्लिक कर सकते हैं www.bestsexlostinindia.com। बेस्ट तो बेस्ट है ही, sexlostinindia.com। दोस्तों आप मेरे से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट पे भी आ सकते हैं। हमारी एक और वेबसाइट है hivdoctorsindelhi.com, जहां पर आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा एचआईवी के बारे में। अगर आपने गलती से कभी अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया तो क्या कर सकते हैं, इसका क्या बचाव है? दोस्तों इसका बचाव है पेप। पेप इज पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस, ऐसी दवाई है जो आप 72 घंटे के दौरान खा सकते हैं आफ्टर पॉसिबल एक्सपोजर, आपको एचआईवी नहीं होगी। दोस्तों अगर आपको इसके बारे में जानना है, पढ़ना है, तो मेरी वेबसाइट पर जरूर आएगा। क्या बोला था मैंने? www.bestmbbsmd.com, बहुत सरल सी वेबसाइट। एचआईवी के बारे में आपने और जानना है तो मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, मेरी वेबसाइट पे आ सकते हैं, मेरे को लिख सकते हैं। मेरा नंबर है 91 36 36 36 92, 9136363692। और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई शंका लगती है, आप मेरे से मिल सकते हैं। दोस्तों हमने आज की कंसल्टेशन फ्री रखी है, आप आइए हमारे से मिल लीजिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन पूछना, आप मेरे से मिल लीजिए, मैं आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूं। क्योंकि मैंने ये एक फैसला लिया है कि मैं इस देश से एसटीडीज और एचआईवी को जड़ से खत्म करूंगा। आज आप मेरे से मिलना चाहते हैं तो कंसल्टेशन फ्री है, आप मेरे से मिल लीजिए। दोस्तों नया जो हमारा प्रोग्राम होगा वो पेरिस से लाइव होगा, और हम आईफिल टावर के पास में या डिज्नीलैंड में पेरिस में मैं नया प्रोग्राम करूंगा और आपके साथ जरूर लाइव मिलूंगा। अगर पेरिस में कोई हमारे दोस्त हैं, कोई यार है, कोई हिंदी भाषी है जो मेरे से मिलना चाहता है, वो मेरा मोबाइल नंबर ले सकते हैं, मेरे से पेरिस में मिल सकते हैं। कोई भी अगर आपको क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ सकते हैं, मैं पेरिस में रहूंगा और आपसे बात करूंगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।